बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आजाज़ खान और आप देख रहे हैं उर्दू गार्डनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप आम का पौधा जो है वो आम के बीज से कैसे उगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो दो गुठलियाँ हैं आम की। तो सबसे पहले आपने जो है वो एक कैंची ले के जो है इसको साइड से एक काट लेना है, ठीक है जी। काटने के बाद जो है आपने एक छुरी से जो है इसको जो है वो खोल लेना है, और बहुत ही आराम से खोलना है, आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है वरना ये सीड जो अंदर है ये ख़राब हो सकता है, इसलिए आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। आपने जस्ट हल्का सा जो है इसको दबाना है नीचे की तरफ ऐसे करके, तो ये जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद इसको आप अपने अंगूठे के ज़ोर से खोल दें तो ये इस तरह से जो है वो खुल जाएगा। अब मैं एक बीज जो है वो इस गमले में लगाऊंगा और दूसरा जो है वो इस डब्बे के अंदर लगाऊंगा। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसके अंदर फिर लगाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बीज है, इसकी जो ये वाली साइड है ये आपने जो है वो ऐसे रखनी है, ऊपर वाली साइड पे जो है वो उसको रखना है। आपने इसको जो है वो इस तरह नहीं रखना, आपने इसको इस तरह खड़ा करके रखना है और ना ही आपने इसको जो है वो ऐसे रख देना है, आपने इसको ऐसे ही रखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने इसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल देनी है। अब हम इसको पानी देंगे। तो चलिए अब हम दूसरा बीज जो है वो लगाते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा दूसरा बीज निकला है, इसके साथ ये वाइट सा प्लास्टिक सा भी लगाता है कागज टाइप का, इसको आपने रिमूव कर देना है। और ये देख सकते हैं यहाँ से आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का। तो ये इधर से जो है वो इसके पत्ते शूट्स जब निकलेंगे तो आपने इसको भी जो इसी तरह लगा देना है। और इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। अब हम इसको पानी देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा अंदर दबा देते हैं इसको ताकि ये बाहर ना आए। चलिए अब इसको हम जो है वो सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा पटकेंगे हम। अब हम इसको पानी देंगे। तो अब ये बीज जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर हम मैं जो थोड़ी सी और मिट्टी डाल दूँगा उसको जो है अच्छी तरह कवर कर दूँगा। बीज जो है वो अच्छी तरह कवर होना चाहिए, ठीक है। और इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, इसको आप शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। ये जो है वो 25-20 दिन जो है या 25 दिन जो है वो ले लेगा, इसलिए आपने जो है वो फिक्रमंद नहीं होना कि ये बीज हमारा क्यों नहीं ग्रो हो रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कब ग्रो होता है। 13 जुलाई 2022। दोस्तों हमने आम का बीज जो है दो बीज लगाए थे 27 जून को, तो अब 13 जुलाई है तो तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। तो ये बीज आप देख सकते हैं, ये आम का बीज जो है वो अब ग्रो हो चुका है। ये हमने गमले में लगाया था,
ये वो वाला बीज है और एक बीज हमने जो है वो इस डब्बे में लगाया था प्लास्टिक के, तो इसके अंदर भी जो है वो अब बीज उगना जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद है कि ये जल्दी जो है वो बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें, तो जैसे ही ये और बड़ा होगा तो मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा। तो दोस्तों हमारा पौधा जो है वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। आम का जो हमने बीज से ग्रो किया था, ये आप देख सकते हैं इसके नए नए पत्ते जो हैं वो दिन ब दिन आ रहे हैं। बारिशें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी ग्रोथ इसकी जो है वो अब रुक रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो चल रही है। नए नए पत्ते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। जिसका पहला पत्ता था वो जो है अब ग्रीन हो चुका है, तो बाकी पत्ते भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रीन हो जाएंगे। साइड से देख सकते हैं हम ग्रीन होना शुरू हो गए। तो हमने 27 जून को जो है वो बीज लगाया था और आज 25 जुलाई है, तो तकरीबन एक महीना जो है इसको हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कि हमको बीज आप कैसे घर में उगा सकते हैं बीज से। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगा। अगली वीडियो तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।